हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमारा 100 डे चैलेंज चालू हो चुका है। ठीक है, लास्ट 2 वीक से हम यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के ऊपर डाल रहे हैं। हर रोज आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे IFS के ऐप के ऊपर, और उसका जो सोल्यूशन है आपको अगले ही दिन उसके आपको सुबह मिलने वाला है हमारे IIT जैम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। यस, तो वैसे ही सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम यहाँ पर डे 15 का जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन था उसका देखने वाले हैं। इनऑर्गेनिक की टेस्ट आपको मिली होगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट जो वीक था आपका वो इनऑर्गेनिक का ही हुआ था, उसके बाद जो आपको 60 टेस्ट मिले थे वो आपके ऑर्गेनिक के थे। अब यहाँ पर वापस हम इनऑर्गेनिक के ऊपर आए हैं, उसके बाद आपकी फिजिकल की वगैरह भी टेस्ट होंगे इस पर। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे, मोस्टली आइसोमेरिज्म मैग्नेटिज्म के ऊपर ही क्वेश्चन थे। ज्यादा करके आपको टेस्ट कोऑर्डिनेशन के ऊपर इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है आपके एग्जाम में। ये सर लोग, तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ऑप्टिकल आइसोमर। अब जब हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तब क्या होता है यहां पर? यस, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। यस और नो? ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ये देखो ये इन लिगेंड है और दूसरा आपका NH3 और NH3 है 2+, तो इसमें तो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, बी देखूं मैं तो वापस से नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बाकी आपका OH2 और OH2 है, तो इसमें भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखेंगे नहीं। अब सी देखिए, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी ही है। सी कैसे ड्रॉ करेंगे हम? नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहां पर भी है और यहां पर भी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसमें से कभी भी है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पास हो सकती, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। इसमें भी आपके क्या है, दो चिलेटिंग लिगेंड्स है तो इसमें से भी पास हो सकता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ध्यान रखना जब ऊपर और नीचे रिंग आती है ना तो वहां से कभी भी आपकी प्लेन पास नहीं होगी, इसलिए वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। यस, अब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ये सर लो, यही हमें देखने को होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगी। अब देखिए Ni2+ की अगर मैं बात करूं 4A0 3D8 हो जाएगा, Cr3+ 3D3 हो जाएगा, Fe3+ 3D5 हो जाएगा एंड Co+3 3D6 हो जाएगा। अब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, होकर भी ऑब्वियसली 5 ही हो सकते हैं ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान के चलूं तो भी n=5 होगा, और अगर मैं इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी मान के चलूं तो इसमें फिर भी क्या हो जाएगा, n=5 ही होंगे। इससे ज्यादा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बाकी के भी अगर आप चेक करोगे 3D3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें भी या तो 0 हो जाएंगे या अदरवाइज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब नो, तो इसलिए आपका जो सही आंसर इस केस में जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसकी आती भी कितनी है, अगर n=5 है तो अप्रोक्सीमेटली 5.9 भोर मैग्नेटॉन के आसपास आपकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय। ओके, अब बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है आपका, सिस और ट्रांस होता है। यस और नो? सिस और ट्रांस होता है। और जब ऑप्टिकल आइसोमर, जैसे पहले कहा था, यहां पर क्या है आपका, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए किसी एक में, तभी वो क्या करेगा आपका, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर।
चलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। ऐसा क्यों? देखो अब इसके मैं दो आइसोमर्स ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल। तो ये कब का आइसोमर हो जाएगा और दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन एंड यह हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें देखो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने क्या बोला था जब ऊपर और नीचे रिंग होगी तब वहां पर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाली है, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो होने वाला है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, अब बट यहाँ पर क्या है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हमें दिख रहे हैं, ये था आपका ट्रांस, ये था आपका सिस, और नो ऑप्टिकल, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। इसमें देखो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी हमेशा, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये देखो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं फॉर्म हो सकते ना, सिस और ट्रांस कैसे फॉर्म करोगे? क्योंकि ये कैसा है आपका, ये होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑफ NaCl4 टू माइनस, ओके क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2 प्लस होगी तो 4 इज 0, 3D8 हो जाएगा ये। अब 3D8 के लिए क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये E है और ये E2G है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन आ जाता है ना हमारा फॉर्मूला, तो अगर इसमें आप पुट करोगे तो 2 × 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 के लिए अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2.9 बोर मैग्नेटॉन के आसपास आ जाएगी। तो देखो कौन सा आंसर है इसका, तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आने वाला है, ठीक है, बाकी तो मैच ही नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 2.82 बोर मैग्नेटॉन। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते, ग्राउंड स्टेट फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट के ऊपर है, टर्म सिंबल वाला क्वेश्चन है ये, ओके वो भी निकाल लेते, क्या दिक्कत है, D4 है तो एक काम कर सकते हैं, इसे शो कर सकते हैं 1 2 3 4। अब इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या क्या है, +2 +1 0 -1 -2। सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, एस तो है 2, अब 2s+1 की वैल्यू क्या है, 2 × 2 + 1 = 2, तो ये तो हो जाएगा 5, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 5 आ गई है, तो ये दोनों तो गए। अब क्या निकालना है, अब l की वैल्यू निकालो, l कैसे निकालते हो, जो आपकी ऑर्बिटल की वैल्यू उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 × 1 + 1 × 1 - 1, तो ये गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो sp(d) होता है ना 2 के लिए, ये सब जब हम l देखते हैं 0 होता है तो S आ जाता है, 1 होता है तो P आ जाता है और 2 होता है तो D आ जाता है, तो कौन सा आएगा फिर इसका, 5D आने वाला है आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे टेस्ट नंबर 15 में, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आए होंगे, काफी इजी क्वेश्चंस थे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके IIT एग्जाम या इवन CET PG के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐप है जहां पर आपको देख सकता है, यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको सीक्वेंस बाई सीक्वेंस 1 to 15 और उसके आगे की भी जो टेस्ट होंगे यहाँ पर वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ओके। और ये हमारा IFS का ऐप है, अगर आपने अभी तक टेस्ट शुरू नहीं किए देना और आपको पता नहीं है तो मैं एक बार वापस बता दूं, ऐप के ऊपर हमारे रोज 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट वाला ऑप्शन वहां पर दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये टेस्ट नहीं, उसके अलावा भी काफी सारी जो चीजें हैं आप बिल्कुल इस ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। तो जो भी आपके दोस्त है वो जैम के लिए टारगेट करेंगे 2025 CET PG, तो उनके साथ भी ये न्यूज़ जरूर शेयर कीजिए, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैप्पी लर्निंग।